अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट और वो भी एक ख़ास तरीके से, और ये ख़ास तरीका हमारे फ्रेंच टोस्ट को एक शाही टेस्ट देगा, जिसकी वजह से ये फ्रेंच टोस्ट नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट नहीं रहेंगे बल्कि ये शाही फ्रेंच टोस्ट हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो अंडे ले लिए हैं और इधर हम एक बोल ले लेंगे। अंडों को इसी बोल में तोड़ लेंगे और अंडों को स्पून के हेल्प से इस तरह से खूब अच्छे से फेंट लेंगे। जितना फिटा होगा उतना अच्छा होगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून दूध, 1 टेबल स्पून या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसमें कुछ शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद शामिल करिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून बारीक बारीक कतर लिया है काजू बादाम, कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे, कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। ये खोया है तकरीबन 1/3 के करीब और ये खोया हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, 2 टेबल स्पून दूध डाल लीजिएगा, उसको अच्छे से मिक्स करिएगा और अंडे में डाल के बस मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इस खोए को अंडे के मिक्सचर में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो दिख रहे हैं ना आपको लम्स, ये लम्स ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है और इधर हम डालेंगे ब्रेड की स्लाइस। बहुत देर डिप नहीं करना है, बस डालेंगे और उठा लेंगे और थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे इस तरह से ताकि इसका प्रॉपर टेस्ट आए। और उधर मैंने पैन चढ़ा दिया है, प्री हीट हो रहा है। इधर मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो बटर से भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे स्लाइस को हम फ्राई कर लेंगे। जब तक फ्राई करेंगे कि जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता है और अंडा अच्छे से पक नहीं जाता है। और हो सके तो आप अंडे के मिक्सचर को और ऊपर से अप्लाई कर दीजिएगा तो देखने में खूबसूरत भी लगता है और खाने में भी टेस्ट इसका बढ़ता है। तो इसको हम अभी फ्राई करेंगे, उसके बाद साइड्स चेंज करेंगे। तो 3 से 4 मिनट लग जाएगा स्लाइस को फ्राई करने में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन भी हो गया है और क्रिस्पी भी है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, इस तरह से आप बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से और हमारे जो ब्रेड की स्लाइसें डिप की हुई रखी हैं अंडों में, वो फ्राई कर लेंगे। हमारा फ्रेंच टोस्ट बनकर तैयार है। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। आप चाहें तो मैपल सिरप यूज कर सकते हैं। बेहतरीन एकदम सॉफ्ट जूसी से फ्रेंच टोस्ट बने हैं। रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।